नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। घर के मंदिर में ना रखें इन चीजों को, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो लाख पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। घर में पैसा तो होता है, मगर उसके बावजूद भी घर में बरकत नहीं हो पाती है और रोज कोई ना कोई नई बीमारी घर पर आ जाती है। अक्सर ऐसा इसलिए ही होता है कि घर में आपके कोई वास्तु दोष हो या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर हो। तो दोस्तों, इसके लिए आज हम आपको कुछ ऐसी विशेष चीजों के बारे में बताएंगे जो आपके मंदिर में गलती से भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त करनी है, क्योंकि दोस्तों घर का मंदिर एक ऐसी जगह है जिस जगह से सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। परंतु अगर आपके घर के मंदिर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हो रहा हो, तो आपके पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बन जाता है। घर में धन की समस्या, बीमारी आदि दस्तक देने लगती हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें। तो आपको ये सबसे पहले याद रखना है दोस्तों कि घर में कभी भी भगवान की तीन मूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी एक ही भगवान की तीन मूर्ति एक ही जगह पर रखना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप अपने घर के मंदिर में ये भी जरूर देख लें कि कहीं आपके घर के मंदिर में भगवान की कोई मूर्ति खंडित तो नहीं है। अगर है तो उसे तुरंत हटाकर दूसरी मूर्ति लाएं और उसकी स्थापना करें। मूर्ति का खंडित से मतलब मूर्ति कहीं से टूटी या चटकी ना हो। यदि आपके मंदिर में कोई ऐसी मूर्ति है तो उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज जो गलती हर कोई हर रोज करता है पूजा घर में, वो क्या है? तो आपको बता दें कि जब भी आप पूजा करते हैं तो पिछले दिन के बासी फूल जो आपने भगवान पर चढ़ाए थे, तो उन्हें अगले दिन पूजा से पहले मंदिर से तुरंत हटा दें। आपको हमेशा यह चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि आप जब सुबह पूजा करते हैं तो आप जो सुबह फूल चढ़ाते हैं तो शाम की पूजा के समय उन्हें वहां से हटा दें, क्योंकि मित्रों जन्हा सूखे फूल पड़े होते हैं वहां नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही आ जाती है। तो ये गलती कभी ना करें। और अधिक जानकारी के लिए हमें कमेंट करें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।